नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ ना गाइस, जो आपके दिमाग में भी आया हुआ, लेकिन गाइस आपने सोचा होगा कि ये मतलब कि फालतू पैसा, मतलब कि फिजूल का खर्ची सरकार करता है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी मतलब कि फालतू खर्चा करती है। वो क्या है गाइस, आपने देखा होगा कि टीवी में या फिर बड़े बड़े मार्केट में होर्डिंग्स जो होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या रहता है, बैनर वगैरह बड़े बड़े लगता है, और गाइस टीवी में भी दिखाया जाता है, यहाँ तक कि फ़ोन में यूट्यूब पर आपने ऐड देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। और गाइस ये सारे पूरे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों रुपये मतलब कि खर्च करती है कंपनी ताकि एडवर्टाइजमेंट हो पाए। लेकिन गाइस आपने भी कभी ये सोचा होगा कि इस एडवर्टाइजमेंट से क्या फ़ायदा मिलता होगा उस कंपनी को या फिर कोई भी व्यक्ति को जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। बात तो सही है ठीक है, मतलब क्या फ़ायदा मिलता होगा, ये तो मतलब करोड़ों रुपए जो खर्च कर रही है, जैसे किसी सेलिब्रिटी को मतलब कि करोड़ों रुपए दे के एक लाइन ही बुलवाना है, तो गाइज मतलब कि कंपनी को क्या फ़ायदा उससे हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा, और गाइज मैं भी यही सोचता था कि कंपनी जो है फालतू में मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज़्यादा खर्च करती है। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे कि इलेक्शन हुआ, ठीक है गाइज, इलेक्शन में हर जगह मोदी जी का जो तस्वीर था वो छप रहा था। क्यों छप रहा था, ताकि एडवर्टाइजमेंट हो पाए, बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट हो पाए। जहाँ भी मतलब जहाँ सरकारी चीज़ था वहाँ पर भी मोदी जी का फ़ोटो लगाया गया, ताकि लोग जो है मोदी जी को सिर्फ पहचाने और उन लोगों को मोदी जी के अलावा कुछ दिखे ही ना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और गाइस इस पे जो है कंपनी या फिर कोई भी लोग जो है, जैसे कि सरकार जो है अभी इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए मतलब कि सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया गया। ठीक है, कंपनी भी बहुत सारा खर्च करती है, टीवी पे आप लोग ऐड देखते होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि दोनों पार्टी जो है टीवी पे बहुत सारा ऐड मतलब कि रन कर रहे थे, हाँ, कि मतलब कि उनका जो पार्टी का मतलब कि एडवर्टाइजमेंट हो पाए, लोग मतलब कि जान पाए कि ये भी कोई पार्टी है। और गाइस मैं भी सोचता था कि मतलब कि सरकार जो है या फिर कोई भी लोग है एडवर्टाइजमेंट में फालतू पैसा खर्च करते हैं, उसका अगर सामान अच्छा होगा या फिर सामान बाज़ार में आएगा, लोगों को मतलब कि दिखेगा, तो ऑटोमेटिक उसको खरीदेंगे ही यार, यूज़ तो करेंगे ही। लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत सोच है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। दरअसल अभी जैसा कि आप लोगों को दिख रहा हो कि इलेक्शन चल रहा था, ठीक है गाइस, इलेक्शन चल रहा था, हर कोई वोट देने गया होगा। और गाइस आपके साथ ये हुआ होगा कि आप जो जहाँ पे बटन वगैरह रहता है, जहाँ पे बहुत सारा लोगों का मतलब कि इलेक्शन का जो छाप रहता है कि कौन सा छाप है, जैसे कि बीजेपी का कमल छाप था, कांग्रेस का हाथ का छाप था, तो उसी प्रकार से हर मतलब कि राज्य में, हर मतलब कि जिले में अलग अलग मतलब लोग खड़े होते हैं, उनका अलग अलग छाप होता है। ठीक है गाइस, तो वहाँ पर लेकिन यूनिक एक छाप क्या था, कमल छाप। और मुझे एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा तब जाके दिखा, तब मुझे समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट पे लोग जो इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। क्योंकि गाइस जब मैं भी वोट देने गया ना, जब मैं भी वोट देने गया वहाँ पे, तो वो जो मशीन था उस पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा मतलब कि 15-20 लोगों का छाप रहता है, तो मुझे किसी का मतलब कि छाप ही समझ में नहीं आता कि ये मतलब कि किसका छाप है। ठीक है, और मुझे सिर्फ एक ही छाप वहाँ पर सामने में मतलब आँख से मतलब कि समझ में आया, वो है कमल छाप। क्योंकि गाइस हम हर जगह कमल छाप देख रहे थे, हर जगह सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पे भी कमल छाप कमल छाप कमल छाप। कांग्रेस ने उतना प्रचार नहीं किया जितना कि मोदी सरकार ने किया, और गाइस इसके कारण मतलब कि हमारे माइंड में, हमारे आँखों के सामने सिर्फ वही दिख रहा था, कमल छाप। और गाइस जब मैं मशीन पर देखा ना, तो मुझे भी मतलब कि कमल छाप ही दिख रहा था, बाकी सब भी छाप दिख रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में याद, जो बोलते ना कि सबसे ज़्यादा याद, कि सबसे ज़्यादा सुना हुआ चीज़ क्या है, तो कमल छाप ही में मुझे भी लग रहा था। तब मुझे समझ में आया दिमाग में खट से कि अरे यार, लोग जो है एडवर्टाइजमेंट में पैसा इसीलिए खर्च करते हैं ताकि वो आपके दिमाग के साथ खेल सके। आपके दिमाग में जब वो हर समय घूमता रहेगा ना, तो आपको गलत चीज़ भी सही लगने लगेगा। समझ रहे हो बात, समझ लो गाइस, आप बाज़ार जाते हो, ठीक है, और आपको कोई साबुन खरीदना है, ठीक है, और आपके सामने 10 साबुन बाज़ार में आपको दुकानदार दिखाएगा, ठीक है, 10 साबुन, और वो बोलेगा जो वाकई में सच अच्छा साबुन होगा, वो सपोज आपको दुकानदार दे रहा है कि ये ले लो, ये साबुन सबसे अच्छा है। लेकिन आप अगर लाइबॉय या लक्स का एडवर्टाइजमेंट दिन भर टीवी पर देख रहे हो ना, भले ही वो ख़राब साबुन हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो ख़राब साबुन है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि भले ही वो ख़राब साबुन हो, लेकिन आपको वही चीज़ अच्छा लगेगा जो कि वाकई में अच्छा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा आप, क्योंकि उसके बारे में कभी सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, तो आपको लगेगा कि यार कौन सा ये साबुन है, हाँ, इस पे मतलब विश्वास आप नहीं करोगे, और जो मतलब कि जो दिन भर आपके सामने आपको दिख रहा है उस पे आप विश्वास कर लोगे।
तो गाइज ये होता है एडवर्टाइजमेंट का पावर। और गाइज ये मुझे उसी दिन समझ में आया, तो मुझे भी लगा कि जो ऐसा सोचते हैं कि सरकार या फिर कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट में पैसा क्यों खर्च कर रही है, तो गाइज इसका जवाब यही है और यही आप सब लोगों के साथ शेयर करना था। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।